स्टूडेंट माई सेल्फ अनुपमा शुक्ला। बच्चों आज मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर समावेशी शिक्षा के विषय में बताने जा रही हूँ। बच्चों इसकी पहली क्लास में मैंने पठन अयोग्यता से संबंधित बालकों के विषय में चर्चा किया था। आज मैं आपको लेखन संबंधी अयोग्यता के विषय में चर्चा करूंगी। बेटा लेखन संबंधी अयोग्यता, लेखन मतलब कि जिन बच्चों को लेखन संबंधी अयोग्यता होती है, जो बच्चे लिख सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं और सही ढंग से लिखने के कारण उनका भाषाई विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाता है, उसे लेखन संबंधी अयोग्यता कहते हैं। जो मतलब जिनकी वर्तनी में दोष होता है और उनके भाषा संबंधी, उनको भाषा का सही ढंग से ज्ञान नहीं होता है, उन बच्चों में ही लेखन संबंधी अयोग्यता होती है। बेटा ये जो लेखन संबंधी अयोग्यता है, इसे कई ऐसे जो होते हैं जैसे कलम को पकड़ नहीं पाते हैं बच्चे, शिरोरेखा में सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं, इत्यादि ऐसे कारण होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ये सही ढंग से कार्य को कर नहीं पाते हैं। तो बेटा इसकी एक परिभाषा देख लीजिए प्रोफेसर एस के दुबे के शब्दों में। इन्होंने लिखा है, लेखन अयोग्यता का आशय उस अमानकी लेखन की व्यवस्था से है जो अक्षरों की अनुचित बनावट, अनुचित शब्द दूरी एवं सिरों को प्रदर्शित करता है तथा सुलेख की श्रेणी में नहीं आता है। इन्होंने ये कहा है, एस के दुबे जी ने ये कहा है कि ये जो अयोग्यता है वो उसके लिए अक्षरों की समुचित सही ढंग से बनावट होनी चाहिए, जो शब्दों की जो दूरी होती है वो सही ढंग से होनी चाहिए और जो शिरोरेखा जो ऊपर की जो रेखा होती है वो सही ढंग से होनी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, उसे ये सुलेख मतलब कहते हैं। उसे अगर ऐसा ना हुआ तो वो सुलेख की श्रेणी में नहीं होगा, मतलब कि अक्षरों की बनावट हो गया और शब्दों की दूरी हो गई इत्यादि अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो उससे उचित लेखन अयोग्यता नहीं समझा जाएगा। अब हम बात करते हैं लेखन अयोग्यता के कारण, मतलब किन कारणों से लेखन अयोग्यता आती है। तो सबसे पहला नंबर है कलम की पकड़। कलम की पकड़ बेटा जब मतलब कि प्रारंभ से ही, प्राथमिक क्लास से ही हमें बच्चों को जो कलम पकड़नी है उसको किस तरह से पकड़नी है, मतलब कि ऐसा ना हो कि उसको मजबूती से ना पकड़े, हिले डुले तो अच्छा भी हिले डुलेंगे, मतलब कि उसको कलम को सही ढंग से हमें पकड़ना सिखाना चाहिए ताकि अगर बच्चे शुरू से ही प्रारंभ से ही सही ढंग से कलम को पकड़ेंगे तो लेखन अयोग्यता के शिकार नहीं हो पाएंगे। सेकंड नंबर में आता है मेज पर लिखकर लिखना, मतलब बेटा अधिकतर बच्चों को देखा गया है कि वो मेज पर सिर रख लेते हैं और फिर लिखना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे प्रथम बात तो ये है कि इस तरह से अगर बच्चे लेखन कार्य करते हैं तो उनकी लिखावट सही ढंग से नहीं होती है, उसके पश्चात उनके नेत्रों में दोष उत्पन्न हो जाता है, उसके पश्चात उनका जो ध्यान होता है पूरा उसी में नहीं होता है, तो मस्तिष्क की ग्रंथियों में भी उथल पुथल होती है जिसके कारण वो कई ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो बेटा विद्यालय में अगर इस तरह के बच्चों को देखा जाए तो उनको तुरंत टोकना चाहिए ताकि वो सही ढंग से लेखन कार्य को आरंभ कर सके। अगले नंबर में थर्ड नंबर में है कलम से लिखने का ढंग। बेटा जो कलम से लिखने का जो ढंग होता है वो किस तरह से कलम को पकड़ना है, किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजें अध्यापकों को विद्यालय में बताना चाहिए। बेटा 45 अंश से 60 अंश के कोण के बीच में ही लिखावट का कार्य करते रहना चाहिए और अगर कोई ऐसा परिमाण ना हो तो 90 अंश की दूरी में लेखन कार्य को नहीं करना चाहिए, वो अनुचित और गलत होगा। ठीक है बेटा, अगले नंबर में है फोर्थ नंबर में आवश्यक चिन्ह। इसके साथ साथ बेटा जहाँ पर अनावश्यक चिन्ह, जहाँ पर चिन्हों की जरूरत हो वहीं पर चिन्ह लगाया जाए, जहाँ कहीं पर परिभाषा कहते हुए रुका जा रहा है तो वहाँ पर डैश का निशान, जहाँ योजक चिन्ह हो गया, विराम चिन्ह हो गया, पूर्ण विराम हो गया इत्यादि, जहाँ जिसकी आवश्यकता हो वहाँ पर लगाया जाए, अन्यथा अनावश्यक चिन्हों को न लगाया जाए जिससे लेखन
अयोग्यता साबित हो सकेगा। अगले नंबर में फिफ्थ नंबर में आता है दृष्टि दोष। अगर बेटा बच्चों को अगर दृष्टि दोष होता है तो भी वो सही ढंग से लिख नहीं पाते, उन्हें अक्षरों की सही ढंग से पहचान भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो लेखन अयोग्यता के शिकार हो जाते हैं। फिफ्थ नंबर में आता है श्याम पट लेखन प्रक्रिया। इसके साथ बेटा श्याम पट में जो लेखन की प्रक्रिया है, जो उसमें सही शब्द लिखे हैं, तो उसको बच्चों को सही ढंग से बताना चाहिए, उनको श्याम पट में किस तरह से कक्षा कार्य करना है उसके बारे में अवगत कराना चाहिए। अगर प्रारंभ से ही सभी शिक्षकगण ये कार्य सही ढंग से और पूर्णतया ईमानदारी से अगर करेंगे तो कोई भी बच्चा इस अयोग्यता का शिकार कदापि नहीं हो पाएगा। अब बेटा अगले नंबर में आता है साहित्य नगर में मूल्यांकन का अभाव। मूल्यांकन का अभाव, अगर बेटा बच्चे लेखन का कार्य कर रहे हैं और जो टीचर्स वगैरह हैं वो उसको चेक करते जा रहे हैं, ना उसको कोई फीडबैक दे रहा है, ना उसको कोई निगेटिव थॉट दे रहे हैं, मतलब कि बच्चे ने समझ लिया कि हमारा कार्य बहुत अच्छा है तभी हमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। अगर बच्चे का कार्य नकारात्मक हो तो उसको ये कहना चाहिए कि लेख को सुधारे, अगर सकारात्मक हो तो उसको फीडबैक मिलना चाहिए, गुड वेरी गुड या कुछ और। अगर ऐसा करते रहे तो जिन बच्चों को सकारात्मक थॉट्स मिल रहे हैं तो वो और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, जो बच्चे नकारात्मक हैं तो वो अपनी चीजों को और अच्छे ढंग से सुधारने का प्रयत्न करेंगे। अब बेटा एट नंबर में आता है वक्र लेखन। वक्र लेखन, इसके साथ जब बेटा जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में वक्रों की सहायता से अगर किसी डायग्राम को बनाना है तो जरूरी नहीं कि हिंदी में भी उन्हीं वक्रों की सहायता से ही हम डायग्राम्स वगैरह बनाएं, तो बेटा वो अनुचित होगा। जहां जिस विषय में जिस चीज की आवश्यकता हो तो वक्रों का सही समय पर उपयोग करें, अन्यथा न करें। अगले नंबर में है नाइन्थ नंबर में तीव्र गति से लेखन। बेटा कभी कभी आपस में जो सहपाठी गण होते हैं उनमें ही शर्त लग जाती है कौन कितनी जल्दी से लिखेगा, कौन कितनी जल्दी से कार्य को पूरा करेगा, तो बेटा इसमें लेखन गति सही ढंग से नहीं हो पाती, या अध्यापक का अति तीव्र गति से अत्यधिक प्रवाह से बोलना, तो जब अध्यापक अत्यधिक प्रभाव से अगर वार्तालाप करते हैं तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो तो लिख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कई अक्षर छूट भी जाते हैं, वो सही ढंग से लेखन कार्य को कर नहीं पाते हैं। तो लेखन जो कार्य होता है वो तीव्र गति से करते हैं, मतलब उसको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लेखन अयोग्यता के शिकार हो जाते हैं। अब बेटा टेंथ नंबर में ध्यान का अभाव। कभी कभी बच्चे जो होते हैं उनका जो टीचर्स जो बोल रहे होते हैं उसमें उनका ध्यान नहीं होता है, उनका ध्यान हो सकता है बाहर कोई जो जा रहा है उसमें ध्यान हो गया, या घर की किसी बात में अगर वो एकाग्रचित होकर कक्षा कार्य को नहीं करेंगे तो भी लेखन कार्य में बाधा आएगी और वो बाधित होगा। तो जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उसी उस समय वही ध्यान होना चाहिए। अगले नंबर में लेखन स्थिति। इसके साथ साथ जब हम लेखन कार्य को करते हैं तो हमारी स्थिति बिल्कुल सही होनी चाहिए, जिस तरह से हमें बैठना है, जिस तरह से हमें कलम को पकड़ना है, जिस तरह से उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना है, ये अगर सारी स्थिति अगर सही रही तो हमारा लेखन कार्य दोषपूर्ण नहीं होगा। अगर ये स्थिति सारी नकारात्मक रही तो हमारा लेखन कार्य की स्थिति सही नहीं होगी। तो बेटा ये थे कुछ लेखन अयोग्यता के कारण। अब हम बात करते हैं लेखन अयोग्यता का उपचार, मतलब कि लेखन अयोग्यता का उपचार हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर है उचित ढंग से कलम पकड़ना। बेटा वही बात कि विद्यालय में शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को उचित ढंग से कलम को पकड़ाया जाए, उसको किस अंश की दूरी में, मतलब 45 या 60 अंश के बीच की दूरी में हमें कलम को पकड़ना है, ये सारी जानकारी अध्यापकों को देनी चाहिए। अगले नंबर में है प्रारंभिक रूप से अक्षरों की पहचान। इसके साथ साथ बेटा प्रारंभिक कक्षा से ही हमें सारे अक्षरों की पहचान करानी चाहिए बच्चों को, चाहे वो टा वर्ग हो, चाहे वो का वर्ग हो, इत्यादि जिन जिन वर्गों कि अगर हम मेरा बेस ही अगर मजबूत नहीं हुआ तो आगे जाके किस तरह से बच्चा सही कार्यों को कर पाएगा। अगले नंबर में उचित दिशा निर्देशन।
इसके साथ साथ बेटा बच्चों को उचित दिशा निर्देशन देते रहना चाहिए, उनको समय समय पर मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनको प्रेरणा देना चाहिए। अगर किसी का लेखन कार्य बहुत प्रयास करने से भी सफल नहीं हो रहा है तो उसे निरंतर मोटिवेट करते रहना चाहिए, उचित दिशा निर्देश देना चाहिए कि बेटा और आप प्रयास करोगे तो आपका लेखन कार्य और अच्छा हो जाएगा। अगले नंबर में है, फोर्थ नंबर में, वर्तनी संबंधी ज्ञान। इसके साथ साथ बच्चों को वर्तनी जो अशुद्धियां है, जो उनके लिखने में जो अशुद्धियां आ रही हैं, उस तरह का सही ज्ञान भी देना चाहिए। अगले नंबर में है श्रुत लेख। इसके साथ साथ बच्चों को श्रुत लेख देते रहना चाहिए ताकि वो सुंदर अक्षरों से सही ढंग से लिखना प्रारंभ कर दे। सिक्स नंबर में है चित्रों के आधार पर लेखन कार्य करना। इसके साथ साथ बेटा बच्चों को चित्रों के डायग्राम बना बनाकर भी लेखन कार्य करना सिखाना चाहिए, उसका अभ्यास बार बार कराते रहना चाहिए। सेवेंथ नंबर में आता है उत्तर पुस्तिकाओं का कागज उच्च स्तर का होना चाहिए। इसके साथ साथ बेटा जो उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं, जो बच्चों को कॉपियां वगैरह मिलती हैं, उसका कागज भी बेटा निम्न कोटि का नहीं होना चाहिए, उसका कागज भी मोटा और अच्छा होना चाहिए ताकि लेखन करते समय या इरेज करते समय बच्चों के पेज ना फट सके और लेखन कार्य बड़ी ही सुंदरता से हो सके। नाइन्थ नंबर में आता है सामान्य गति से लेखन कार्य। इसके साथ साथ बच्चों को यह भी बताना चाहिए कि बेटा ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आपको सभी कार्य पहले, अब तो आपको अपनी लेखन की गति को संभालना है, उसके बाद अपनी लेखन की तीव्रता को कम करना है, इसके साथ साथ आपको पुनरावृत्ति करते रहना है जिसके परिणाम स्वरूप सही ढंग से आपका लेखन कार्य हो सकेगा। नाइन्थ नंबर में आता है बेटा कक्षा कक्ष वातावरण पूर्णतः उपयुक्त। इसके साथ साथ जो कक्षा का बेटा वातावरण है वो पूर्णतः उपयुक्त होना चाहिए, मतलब वहाँ पर प्रकाश होना चाहिए, बैठने की जो सीटें हैं वो सही होनी चाहिए और श्याम पट का जो कार्य है वो स्पष्ट दिखना चाहिए, मतलब इत्यादि जो भी वातावरण है पूर्णतः बच्चों के उपयुक्त अगर होगा तो सही ढंग से लेखन कार्य संभव हो सकेगा। अंत में बेटा चिकित्सा संबंधी उपचार। इसके साथ साथ बेटा समय समय पर इस तरह के जो लेखन संबंधी अयोग्यता वाले बालक या बालिका है उनका समय समय पर चिकित्सा संबंधी उपचार भी कराते रहना चाहिए ताकि वह भी सामान्य बालकों के साथ अध्ययन अध्यापन कार्य को कर सके। इसके साथ साथ बेटा माता पिता या अभिभावकों को भी जागरूक होना चाहिए, हमारे विद्यालय को भी जागरूक होना चाहिए ताकि इस तरह के जो बालक और बालिका है वो अपना कक्षा कार्य सही ढंग से कर सके और लेखन अयोग्यता संबंधी जो ग्रसित है वो अपने को सही ढंग से अपने को सुधार सके। थैंक यू।